ये डॉल बहुत बोरिंग है, हटाओ इसे। मेरे पास इससे बेहतर कुछ है, जरा इसे देखो, वो कितनी खूबसूरत है। ला ला ला, कचरा फेंक देते हैं। हाँ, ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई कैसे फेंक सकता है? कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी नई मॉमी हूँ। ये क्या? ठीक है, ये कुछ अलग है। मैं कहाँ हूँ? ये क्या हो रहा है? वाह, इस जगह को तो देखो, क्या ये मेरी डॉल है? नहीं, ये मेरी है। कोई बात नहीं, मेरे पास अब बेहतर डॉल है। जरा खुद को देखो, कितनी गंदी हो गई हो, तुम्हें साफ करना होगा। ऐसे ही रहो। हाँ, ओह, ये लीक हो रहा है, इससे नहा लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, घबराओ मत, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। बस कुछ ड्रॉप्स यहाँ, इतनी काफी है, इससे तुम साफ हो जाओगी और बिल्कुल नई जैसी दिखोगी। कभी कभी हम सबको पैम्परिंग की जरूरत होती है, आराम से बैठ जाओ। इतना छोटा सा टूथब्रश, आराम से। अब अपना मुंह खोलो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें देखने के लिए सनग्लासेस लगाने पड़ेंगे, तुम्हारे दांत चमक रहे हैं। अब मेरी बारी। ओह, मजा आ गया, ये होती है जिंदगी। तुम्हें मजा आ रहा है? तो अब हम क्या करें डॉली? तुम्हारे बालों को ठीक करना होगा, थोड़ी बोरिंग है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ क्या करना है, मैं बाल स्टाइल करने में एक्सपर्ट हूँ। ये तुम्हारी गलती थी, चलो दोबारा ट्राई करें। ऐसा लग रहा है तुम्हें झाड़ियों से खींच कर लाए हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा डार्लिंग, मैं समझ गई। वो मेरी डॉल के लिए बुलाया है। ठीक है, तो फिर स्पेशलिस्ट टूल्स चाहिए होंगे, वो कहाँ है? आहा, मुझे यही तो चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, हिलना मत। पहले एक बोल चाहिए, इसमें पानी डालेंगे। अब थोड़ी फूड कलरिंग, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब अच्छा लग रहा है, मेरा क्लाइंट कहाँ है? डॉल के बालों को पानी में डिप करेंगे। पानी ठंडा तो नहीं है? ये मैं क्या कह रही हूँ, तुम तो एक डॉल हो। बालों को अच्छे से पानी सोखने देंगे। अब बालों को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि पानी ना रह जाए। अब हमें तुम्हारे बालों को सुखाना होगा। वाह, ये कलर तुम पर जच रहा है, बहुत सुंदर है। तुम्हारा हो गया? वो तुम बहुत अलग लग रही हो। हाँ, तुम्हें मुझे पे करना होगा। ओह अच्छा, तुम कैंडी लेती हो? तभी मैं बच्चों के साथ काम नहीं करती। मजा आ गया, बहुत अलग लग रहा है। वो उसके बालों को तो देखो, तुम्हें भी नए लुक चाहिए। आखिरी बार तुमने कब शैम्पू किया था? मैं क्या करूं? एक मिनट रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो ट्राई करते हैं। पहले डॉल को टेबल पर रखेंगे, अब इसे एक हेयर कट देंगे। वाह, तुम छोटे बालों में अच्छी लग रही हो। तुम गंजी अच्छी नहीं लग रही। इस ट्रिंक को डॉल के सर में लगाएंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हैं, इससे इसका लुक बहुत जबरदस्त आएगा। अब फालतू की स्ट्रिंग काट देते हैं और वापस सर लगा देते हैं। वाह, काश मेरे भी बाल ऐसे होते। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे जलन हो रही है और एवा को भी। ये चॉकलेट स्प्रेड स्वादिष्ट है, तुम ट्राई करो। ओ नहीं, मैंने तुम पर गिरा दी, मुझे माफ कर दो। अब चेंज करना होगा। शुक्र है मेरे पास और आउटफिट्स पड़ी हैं। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, ये प्यारी है ना? चलो ट्राई करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम हर आउटफिट में अच्छी दिखती हो, बहुत शीक लग रही हो। तुम्हें कैटवॉक पे होना चाहिए। वो मैं क्या ही कहूँ, और हाथ में क्या, बढ़िया है, कुछ कैजुअल हो जाए। ये देखने में कितना बढ़िया है, खूबसूरत भी और कैजुअल भी। दोस्तों के साथ बाहर जाना है तो ये आउटफिट सबसे बढ़िया रहेगी, और पार्टी में आपको ही सब देखेंगे। बहुत अच्छी लग रही हो। वाह, उसके कपड़े तो देखो, ये मेरे वार्डरोब से भी बेहतर है। हमें तुम्हें ड्रेसेस दिलानी होगी, चलो शॉपिंग करें। अरे इसे कपड़े पहनाओ, उप्स माफ करना, समझ नहीं आ रहा कहाँ देखूं। शांत रहो, उसने पहन लिए हैं। हे एवा, मैं वो ले सकती हूँ?
वो सॉक तुम्हारे पीछे, मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है, प्लीज दे दो, मुझे वो चाहिए। ठीक है ये लो। बहुत गंदा है। शुक्रिया, ये काम आ जाएगा। पहले हमें सॉक का टो काटना होगा। बिल्कुल इस तरह। अब मैं दोनों तरफ छोटे ट्रायंगल्स काटूंगी। अच्छा लग रहा है, ट्राई करना चाहोगी? वाह, बहुत अच्छी लग रही है। काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। थैंक्स ईवा। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जो भी हो। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? जरा देखने दो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? हम आर्ट एक्सपर्ट्स हैं हनी, चिंता मत करो। हमने शो के बारे में सुना। क्या ओरिजिनलिटी है। ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ही अनोखे हैं। मैंने उससे अच्छे अच्छे भी देखे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा लगा। और तुम्हें? मैं श्योर नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे पसंद आया। ये हुई ना बात, मैं चाहती हूँ ये परफेक्ट हो। एक आइडिया है, एक पानी का बोल चाहिए और फिर उसमें नेल पॉलिश डालेंगे, अलग अलग कलर्स डालेंगे, ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए। इतना काफी है। और अब इसमें शू डालेंगे, इसे पानी में इस तरह घुमाएंगे ताकि सारे कलर्स आ जाएं। वाह, जरा इसे देखो, मेरी डॉल के अब कस्टम शूज हैं। वाह, कमाल कर दिया। मिलान के फैशन हाउसेस बहुत जलेंगे। हम ये ले चलते हैं। हाँ, उसने एक नेल वार्निश में शू को डिप किया। अगर आर्ट इतना इजी होता है तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे शू ढूंढना होगा। चलो भी, कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन देखती हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सारे ही बहुत महंगे हैं। अब मैं क्या करूँ? समझ गए, मेरे पास इमरजेंसी के लिए पैसे पड़े हुए हैं। लगता है इसे चूहे ने ढूंढ लिया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मैं क्या करूँ? शायद इसके नीचे थोड़े पैसे हो। ओह, एक ग्लू गन और पेंस, ये काम आएंगे। चलो थोड़े क्रिएटिव हो जाएं। पहले अपने डॉल के पैर पर बलून पहनाएंगे, इससे गंदे नहीं होंगे और सॉक्स जैसे लग रहे हैं। अब बलून पर ग्लू लगाएंगे, ये मेरा मोल्ड बनेगा। अभी फोम का पीस चाहिए, फुट की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसे काट लेंगे। अब मैं इसमें कलर कर सकती हूँ, मैं एक रेनबो इफेक्ट बनाऊंगी अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हुए। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। फोम की एक साइड पर ग्लू लगाएंगे, अब इस पर मोल्ड लगा देंगे। वाह, होममेड बूट्स। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, ग्लू को कलर करने के लिए करेक्शन फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे। पेन से छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स बनाएंगे, ये बहुत कूल है। और ये मैंने खुद किया है, उम्मीद है मेरी डॉल को पसंद आए। चलो ये ट्राई करें, इसकी फिट बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, शानदार, तुम बहुत फैशनेबल लग रही हो, तुम्हारा टैलेंट नेचुरल है। हाँ, वाह, जरा उसे देखो, मैं सपना तो नहीं देख रही। हमने जीनियस ढूंढ लिया है। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे वो बूट्स देखने होंगे। ओह हे, ब्रावो, तुम्हारा काम लाजवाब है। शुक्रिया, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे लिए है। रुको, तुम्हें बूट्स खरीदने हैं? ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरी डॉल के हैं। पर हम तुम्हें फेमस कर सकते हैं। मैं बस चाहती हूँ मेरी डॉल खुश रहे। चलो यहाँ से चले, हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। रुको, तुम्हें खुद का फोन चाहिए होगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई। अब हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत रूड था, तुम्हें खुश होना चाहिए। चलो दोबारा ट्राई करें, जरा इस ब्रश को पकड़ो। मुझे इसे जोड़ना होगा। तुम्हारा शुक्रिया। ये मुश्किल है, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है। मेरे डॉल के हाथ तो बहुत छोटे हैं। अगर मैं इसे, ओह, मैं एक बैग डिजाइन कर सकती हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा। बेकार लग रहा है, बहुत ही बोरिंग और प्लेन है। दोबारा शुरू करना होगा। फोकस करो एवा, हम ये कर सकते हैं, ये काफी बेहतर लग रहा है। अब यहाँ चेन स्क्रैप चाहिए। वाह, लाजवाब, मुझे एक डिजाइनर होना चाहिए था, मैं एक जीनियस हूँ। अब गोल्ड फोम चाहिए, इसकी क्रॉस शेप काटेंगे। अब इसके एडिसिव बैकिंग हटा देंगे, इस तरह एजेस को फोल्ड करेंगे,
और इस तरह प्रेस कर देंगे। अब एक लंबा सा सेक्शन इस पर फोल्ड करेंगे और ये बन गया बैग। अब मुझे बस चेन चाहिए। वाह, मैं ये जरूर पहनूंगी। ये लो, अब तुम्हें यही चाहिए। इस पे तुम अपना सारा सामान रख सकती हो, बहुत सारी जगह है। और तुम्हारा फोन भी इसमें आ जाएगा और हेयर ब्रशेस भी। देखो सब आ गया। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे इसकी एक पिक्चर चाहिए। मैं जरूर पोस्ट करूंगी। स्माइल। हम लाइव हैं। आपके पास आपके फैंस के लिए कोई मैसेज है? ओह हाय, मेरी अच्छी साइट से लेना। हाँ, तुम हटो लेडी, मैं डॉल से बात कर रहा हूँ। माफ करना। हे, तुम यहाँ से हटोगी? ये बहुत गलत बात है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यही मौका है, मैं ये ले लेती हूँ। यही तो चाहिए। जल्दी करना होगा, मैं नहीं चाहती कि एवा देखे। पहले ये पैच काटेंगे, इसके कलर्स मुझे बहुत पसंद है। अब एक जिपर चाहिए। दोनों साइड्स पर ग्लू लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ग्लिटरी फोम लगाएंगे। अब इसे शेप देंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और एक कार्ड के पीस पर चिपका देंगे। अच्छे से चिपका दें। कोनों पर ग्लू लगाएंगे। शुक्र है मेरा हार्ट टिक कर चलता है। इतना काफी है। अब इस पर और फोम लगाएंगे, कोई गैप्स नहीं छोड़ने। दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। अब ऐसे ही शेप का एक पैच काटेंगे। अब इसे फोम पर लगा देंगे। अब दो जगह ऐसे ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। इस पर छोटा सा फैब्रिक का पीस लगा देंगे और जहाँ पैच नहीं है उस साइड भी। ये बन गया मेरी डॉल का बैकपैक। ये देखो, इस पे तुम अपना सामान रख सकती हो। वाह, काश मैं भी तुम्हारी तरह दिख पाती। हम थोड़ा जल्दी कर लें। ये आनी बैग कहाँ से लाई है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह शुक्रिया, प्यारा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। रुको, क्या ये मेरी ड्रेस है? क्या, नहीं, यहाँ कोई ड्रेस नहीं है। मुझे बस, हम बाद में बात करेंगे। कितनी प्यारी ड्राइंग है। ये ग्लिटर कितना बढ़िया है और कितना स्पार्कली। वी, एक बार और। ये हर जगह फैल रहा है और बढ़िया है। ये क्या? वाह, इतना सारा ग्लिटर। इससे मुझे एक आइडिया आया। हेलो, क्या अंदर कोई है? शायद ही खाली है। ओह, चलो भी, मुझे वो टॉयलेट रोल चाहिए। पर ये बदबू, आ ही गए, वो बहुत बुरा था। केविन खाता क्या है? आराम से, मैं बस एक प्लांट हूँ, यहाँ देखने को कुछ नहीं है। हाँ, मुझे जो चाहिए था मिल गया। ओह, तुम क्या कर रही हो? अभी देखना, एक खाली टॉयलेट रोल ट्यूब पर एक कार्ड रैप करें। अब कार्ड के ऊपर इस तरह ड्रॉ करें। अब ट्यूब के अंदर एक गुब्बारा डाल दें। इसके बेस को नीचे की तरफ खींचें। बस ध्यान रहे कि ये फटे नहीं। अब इसके ऊपर एक पेन से चेहरा बनाएं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। पॉज बनाने के लिए इसके रिम पर पेपर लगाएं। अब आपके पास खुद का स्क्वीज टॉय आ गया। देखो, वाह, चलो साथ में खेलें। ओह नहीं, टॉयलेट पेपर नहीं है। खैर, बहुत दर्द होने वाला है। बने रहो, मेरी जादुई शक्तियों से ये बॉल हिलेगी। वो, तुम ये कैसे कर रही हो? ये लो, मैं भी जादू करना चाहती हूँ। ये नहीं हिल रही, लगता है ये खराब हो गई है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी, ये ट्राई करो। ये देखो, ये हिल रही है। क्या तुम ये कर रही हो? ओह नहीं, ध्यान से। वाह, बाल बाल बचे। अब मैं इसे खेल नहीं सकती, वो गई। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक कर सकती हूँ। एक पेपर ले और उसे इस तरह काटे। अब इसे क्यूब में फोल्ड करें। इसे टिकाने के लिए टेप इस्तेमाल करें। अब एक और क्यूब ले और इन्हें साथ में जोड़ दें। एक के ऊपर एक क्यूब को रखें और साइड में टेप लगा दें। इससे एक हिंज बन जाएगा। ऐसा ही तीन बार और करें, अलग अलग कलर के पेपर से। और इन क्यूब से एक लंबा सा रेक्टेंगल बना दें और इन सबको साथ में जोड़ दें और उसे फोल्ड करके क्यूब बना दें। दूसरी तरफ भी टेप लगाएं, इसे सारी जगह लगा दें। जब ये हो जाए तो अपने हिसाब से
स्क्रीन के ऊपर इमोजीज लगाएं। आप अपना फेवरेट चुन सकते हैं और आप जब चाहें तब इन क्यूब्स को फोल्ड कर अपना इमोजीज का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये देखो, मैं समझी नहीं, पता नहीं क्या है। ये तो मजेदार है, बहुत बढ़िया तुमने ये बनाया। हाँ वो हाँ, ये कैसा जादू है। देखो मेरे पास क्या है, तुम ट्राई करोगी? ये बेस्ट है, मुझे ब्लू वाला पसंद है। मैं तुम्हें चुनूंगी, तो चलो बस कवर को बंद कर देंगे। ये बहुत मजेदार हिस्सा है, इन्हें स्क्विश करना। ओह बहुत अच्छा लग रहा है, इसे इसमें लगाना चाहिए। हम इसे इसमें स्क्वीज करेंगे। और अब इंतजार करेंगे, मैं तब तक मेकअप कर लेती हूँ, इतना काफी है। ये बहुत एक्साइटिंग है, ओ कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत, क्यूटनेस ओवरलोड। मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। नाम नाम, तुम एक फोटो लोगी? स्माइल, छोड़ो ये मेरा है। व्हाट्स पाइनएप्पल, ये कहाँ से आ गया? शायद मेरे पास एक आइडिया है। एक कार्डबोर्ड लें और उसे इस शेप में काटें। और अब एक हेयर स्ट्रेटनर एक फोम के स्क्वायर पर चलाएं। इस सर्कल टेम्पलेट पर फोम रख दें और इसमें मार्बल लगाएं। इसे फोम में दबा दें। ये परफेक्ट है, इस कार्डबोर्ड के सारे होल्स में ऐसा ही करें। अब कार्डबोर्ड पर एडिबल ग्लू लगाएं, बिल्कुल कोनों कोनों तक लगाते रहें। इसके ऊपर अब फोम रखें और इसे दबाएं। अब कार्डबोर्ड को उल्टा करें, अब इस पर फोम का दूसरा पीस लगा दें। ध्यान से इन बबल्स को इस फोम के अंदर डालें। अब फोम की एक पतली सी स्ट्रिप लें और इससे बॉर्डर बना दें। इसे पूरे कार्डबोर्ड पर घुमा दें। इस तरह और फोम की स्ट्रिप्स लगाएं। ग्रीन फोम से पाइनएप्पल के लिए इस तरह लीव्स काटें। एक ट्रॉपिकल पाइनएप्पल पॉपेट, ये काम कर रहा है, कितना मजा आ रहा है। लो तुम ले सकती हो, इतनी जल्दी नहीं। मुझे नहीं लगता ये वो है। ये हुई ना बात, हमें अपराधी मिल गया, मतलब पाइनएप्पल। वाह क्या शानदार प्ले रूम है, और ये खिलौनों के डब्बे को देखो। ओह मुझे बबल रैप पॉप करना बहुत पसंद है। ओह कितना डल प्ले रूम है। ओह इस बॉक्स में क्या है, पॉपेट्स, बोरिंग। आज मजा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बबल रैप से खेलना चाहोगी? नहीं शुक्रिया, इस बॉक्स में कुछ होगा। कितनी मजेदार टॉय कार्स है। ब्रम, तुम मजाक कर रहे हो, ये बकवास है। ये है मजेदार टॉय कार्स। हाँ ये यूनिकॉर्न में बदल गई। वाह कमाल है, शायद मेरी भी बदल जाए, तो चलो। ओ नहीं ये काम नहीं किया, अब मैं क्या करूंगी। ओ अब मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। हे देखो, तुम मेरे यूनिकॉर्न में से ये कार पार्ट ले सकती हो। मैं ले लूं? सच में बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे कार में बदल दूंगी। वाह और ये कार कितने कूल लग रहे हैं। हे इन्हें साथ में टकराएं। हाँ ये टॉय कितना कूल है। ये कैसी बॉल है, ओह मजेदार है। अब जरा ये देखो, ये स्क्विशी है। वाह काफी साफ है, तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं। मुझे पता है, मुझे स्क्वीज करना बहुत पसंद है। अगर मैं एक बबल को निकालूं तो क्या होगा? ओह कितना लंबा खिंच रहा है। ओ नहीं ये टूट गया, बुरा हुआ ये सारा खराब हो गया। देखो मेरी स्क्विशी बॉल को क्या हो गया। ओ नहीं बहुत बुरा हुआ। एक सेकंड रुको, लगता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। एक बलून लेंगे और इसकी टिप को काटेंगे, और कुछ और होल्स भी। हाँ अब मुझे एक और बलून चाहिए, और अलग रंग का भी। इस नए बलून को हम पानी से भर देंगे। ओह मैं थोड़ी ग्लिटर और स्पार्कल्स भी डालूंगी। अब इसे साथ में मिक्स करेंगे और बंद कर देंगे। इसे अच्छे से टाइट करें। हाँ ये काम किया ना, सुंदर है। हे
तो चलो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया। अरे नहीं, ये तो पहले वाले जितना कूल है और ये स्पार्कली भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें और क्या है? लगता है कुछ दिलचस्प है। वो जैसे कोई लाइट शो हो। देखो देखो देखो, ये उड़ने वाला है। एकदम जादुई है, शानदार। मैं इसे लॉन्च करने वाली हूँ। हाँ, अब ये हवा में उड़ रहा है। हे, अपने हाथ पीछे करो, ये मेरा फ्लाइंग स्पिनर है। हाँ ठीक है। हाँ, मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्शन पेपर है। हाँ, शायद मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। इस पेपर को फोल्ड करते हैं, अब इन दोनों कोनों को बीच तक ले आएंगे और एक और भी। बढ़िया, ये वाला फोल्ड थोड़ा सा मुश्किल है, बस ये अच्छे से हो जाए। बढ़िया, अब हम इसे दोबारा खोलेंगे और इसके टिप को फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, अब हम इसे दोबारा बिल्कुल सीधा फोल्ड करेंगे। अब ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बन गया। मैंने एक शानदार पेपर प्लेन बना दिया। इसे इसकी टेस्ट फ्लाइट लेते हैं। वो, अरे वाह, काफी अच्छा उड़ रहा है। अरे देखो, वो आ गया डक। काफी बढ़िया उड़ रहा है ना? हे स्पिनर, रुको। जब तुम्हारे पास कूल पेपर एयरप्लेन हो तो स्पिनर किसे चाहिए? अहम, बहुत ही तंग करने वाली बात है। उप्स, क्या सुबह हो गई? वेकी वेकी मैम, पोलो के लिए माफ करना। चलो, आप क्या पहनना चाहेंगी? पता नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे मैम, ये अच्छे हैं? नहीं। देखो कितना स्पार्कली है। नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर कुछ सिंपल पहने। नहीं, मुझे नई जॉब ढूंढनी होगी। मैं आ रही हूँ मैम। वो बाद में बहुत दर्द होगा। इस घर के सारे कपड़े यहाँ हैं। नहीं, सच में? जरा रुको, हम वीआर गॉगल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं गेम्स नहीं खेलना चाहती। लगाओ तो सही। लाइट्स किसने बंद कर दी? जरा रुको, काफी फैंसी है। आखिरकार, मुझे पसंद नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओह, ये क्यूट है। मैं कैसे लग रही हूँ? खूबसूरत। थैंक्स, अब तुम जा सकती हो, मुझे सोना है। क्या, ये कैसा मजाक है? मुझे इसकी आवाज पसंद नहीं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे उठ जाना चाहिए। ये स्मेल कैसी है? बहुत गंदी है। ओह, मुझसे ये आ रही है। मुझे आज क्या पहनना चाहिए? बस यही, मेरे पास सिर्फ यही है, एक टी शर्ट और इसके अंदर छेद है। मुझे कुछ पहनना होगा। तो ये चल जाएगा। बहुत गलत बात है, काश मेरे पास नया वार्डरोब होता। ये क्या है? हे, मैं ये तो भूल ही गई। इससे मैं नई आउटफिट ढूंढ सकती हूँ। बहुत बढ़िया होगा, ये क्यूट है। थोड़ा सा और कैजुअल। और अब मुझ पर रेड सूट करता है। अरे यार, मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं है? बस ये पुरानी टी शर्ट है, पर ये मजेदार है। वाओ, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं ये लेती हूँ। ओ, मैं समझ गई। नहीं, ये वाला सही रहेगा। ओ, ये तो बहुत छोटा है। मेरी चॉइस सही थी, इसे घुमाती हूँ। वो, ये तो बदले जा रहा है, कभी डायनासोर और कभी कार। वाह, ये तो कमाल है। नहीं, ये मेरा है। ओ, मैं बस इसे छूना चाहती थी। हालांकि लगता है मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। एक प्लास्टिक की शीट से एक सर्कल काटें, बीच में एक होल बनाएं और अब इसे पेपर पर रख दें। हमने इसमें सेक्शंस बनाकर यूनिकॉर्न बनाया है। अब यूनिकॉर्न को ट्रेस करें, पेपर हटा लें और यूनिकॉर्न को पेंट करें। फिजेट स्पिनर के बीच का हिस्सा निकाल लें और इसे इसके बीच में रख दें। अब इसे घुमाएं और यूनिकॉर्न भी भागेंगे। मेरा यूनिकॉर्न पसंद आया। ऐसा लग रहा है ये भाग रहा है।
ऐसे देखो। तुम्हारे पास यूनिकॉर्न है? मुझे चक्कर आ रही है। उप्स, पर मैं कार ले सकती हूँ। हाँ, मैं क्या चुनूं? मैं किसके साथ खेलूं? ओह, ये अच्छा लग रहा है। इसके साथ मुझे बहुत मजा आएगा। पहले स्क्रॉप पर जेल लगाती हूँ और अब इसमें फूंक मारेंगे। ये काम कर रहा है। मैंने एक बलून बना दिया। बस इस स्ट्रॉ को निकाल लेते हैं। ये तो सच में बलून लग रहा है। अब ब्लू वाला ट्राई करते हैं। क्या ये फटेगा? ओह, मजा आ गया। ओह, ये क्या है? काश मेरे पास भी बलून्स होते। मेरे पास तो बस कैंडी है। मुझे जलन हो रही है। रुको, मैं जानती हूँ खुद के बलून्स कैसे बनाने हैं। ये भारी है। तुम माइक्रोवेव क्यों ले आई? मैं बलून्स बना रही हूँ। पहले मुझे इस कैंडी को गर्म करना है। अब इसे ऑन करेंगे। इतना काफी होगा। स्ट्रॉ कैसे भूल सकती हूँ? मैं इसे मेल्टेड कैंडी में डुबोंगी और फिर फूंक मारूंगी। और सबसे अच्छा हिस्सा, मैंने खा भी सकती हूँ। यम्मी! वाह, तुम कितनी तेज हो। मैं भी ट्राई करूंगी। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। कितनी स्क्विशी है। मुझे कुछ पीना चाहिए। आह, कितना रिफ्रेशिंग है। पर अभी खत्म हो गया। वो मुझे अभी बॉटल नहीं चाहिए। वाह, कितनी क्रम्बल बॉटल है। Hey, इससे मुझे एक बढ़िया आइडिया आया। पहले हम बोतल से ढक्कन हटा लेंगे और पानी के साथ हम लिक्विड सोप डालेंगे। इतना काफी होगा। अब फूड कलरिंग डालें। हम इस बोतल में थोड़ा डालेंगे। वाह, इसे पानी में मिक्स करना कितना कूल है। बढ़िया है। इसे शेक करें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। हाँ, अब हमें पहले फोम निकालनी होगी। हम इसे थोड़ा दबाएंगे। अब ढक्कन वापस लगा देते हैं और बोतल को क्रम्पल कर दें। हाँ, मेरा प्लान काम कर गया। हे, देखो मेरे पास क्या है। हाँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने कलरफुल स्क्विशी बॉटल्स बना ली। ओह, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसके बदले वाटरमेलन दूँ? खैर, तो ठीक है। मेरे पास दो है। हाँ, कितना स्क्विशी है और क्रम्बली भी। अब मेरे पास एक बॉटल और वाटरमेलन स्क्विशी है। बस हो ही गया। और हाँ, मैंने एक ओरिगामी फॉक्स बनाया। मुझे फॉक्सेस पसंद है और मुझे पेपर फोल्ड करना भी पसंद है। ये तो काम ही नहीं कर रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बहुत मुश्किल है। अरे वाह, देखो उसने क्या बनाया। कितने प्यारे हैं। और मेरे पास तो कचरा है। मुझे अपने वालों को तो देखने का भी मन नहीं कर रहा। बहुत हुआ पेपर फोल्ड करना। अपने पॉपेट इकट्ठे करते हैं और ये आखिरी। हाँ, मैंने घर दिखाया। वो तुम्हारे पास कितने पॉपेट्स हैं? हे भगवान, पॉपेट प्रेस करना कितना मजेदार है। मैं शायद पेपर के साथ कुछ बना सकती हूँ। मेरे पास कैंची है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। एक पेपर से चार बना लेंगे और फोल्ड करना शुरू करते हैं। मैं इससे शुरू करूंगी, एकदम कोने से कोना। अब इसे दूसरी तरफ भी करेंगे। फोल्ड्स एकदम साफ होने चाहिए। हाँ, अब हम इसे दोबारा खोलेंगे। अब अगला फोल्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, पर क्रीसेस की वजह से पेपर आराम से ऐसे बन जाएगा। अब और कोने से कोना मिलाएंगे। फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये अच्छी बात है। अब ये टिप बीच में आएगी, दोनों साइड से दोनों कोनों पर। अब हम इसे दूसरी तरफ खोलेंगे और बंद करेंगे। अब टिप दोबारा वापस बीच में आएगी। अब हम इस चेक से इन कॉर्नर्स को खोलेंगे। ये रही एक और ये दूसरी। बढ़िया, अच्छे से हो गया। अब ये वाली साइड अंदर को फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड के साथ भी ऐसा ही करें। बढ़िया, इसके ऊपर ये फोल्ड कर लगाएंगे और बस ये हो ही गया। अब इसे खोलते हैं। ये एक छोटे बॉक्स जैसा है। अब हम ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे। टाटा, ये तो रंगों का रेनबो बन गया।
देखो मेरे पेपर से क्या बनाया। देखा, ये तो छोटे स्क्विशी बॉक्सेस जैसे हैं। एक पेपर पॉपेट। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पेपर फोल्ड करना नहीं पसंद। ओह, ये इतना ज्यादा स्क्रैच होता है। मैं अपनी किटी की पूंछ में स्क्रैच बनाऊंगी। इससे मुझे एक आइडिया आया। देखो, ये आया एक कीड़ा। रुको, मैं यहाँ कलर कर रही हूँ। ये बहुत मजेदार प्रैंक होगा। आह, क्या? इसे देखो तो जरा, ये कितना जबरदस्त है ना? जैसे कि एक टेलीस्कोप हो। जो भी है, अब मुझे तंग मत करो, मैं अपने आर्ट पर ध्यान दे रही हूँ। लो, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं ये कर सकती हूँ। देखो, मैंने मोर का शेप्स बनाऊंगी और इनके कोने भी जोड़ देंगे। लो, ओह, कितना बढ़िया ट्रायंगल बना। टडा! ठीक है, तो कुछ ऐसा ट्राई कर देखते हैं। एक इन्फिनिटी साइन, परफेक्ट। लो, ये कैसा है? कैसा मजाक है? ये वाला तो और आसान है। मैं बस इन्हें साथ में जोड़ूंगी और फिर खोल दूंगी और थोड़ा सा घुमाएंगे। ओह, ये वेरी है, पर देखो मैंने कर दिया। खैर, ठीक है, अच्छा काम किया। अब एक मुश्किल वाला करते हैं। एक हेलिक्स। ठीक है, ये वाला तो और भी आसान होगा। मैं पहले इन्हें पूरा खोल लूंगी। ये लो, अब इसकी बारी है। मैं बस इस पिक्चर की तरह इन्हें घुमा दूंगी। ओह, जरा मुझे इसे दिखाना प्लीज। ओह, हाँ ठीक है, बिल्कुल, लो। हाँ, अब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? खैर, तो ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। हे, अब मैं आराम से बना सकती हूँ। अगर आपको अपनी डॉल को मेकओवर देना है तो ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी क्रिएटिविटी काम आएगी। आपका फेवरेट क्राफ्ट कौन सा है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और काम की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।